हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं ऋतु वत्स स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आई पफिनेस के ऊपर। तो आई पफिनेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, मोस्टली वो लेडीज में होती है और इसके बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, कम सोना और बहुत देर से सोना, या फिर स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में रहना। तो आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें स्ट्रेस भी है, तो स्लीपिंग भी लोग कम ही लेते हैं, और मोबाइल्स और टीवी ये ज़्यादा देखना, रात को लंबे समय तक मोबाइल अंधेरे में देखना, ये सब कारण आई पफिनेस के हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके कारण आई पफिनेस होती है। और हेल्थ इश्यूज के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक बार हमें अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही हमारी आंखों के नीचे पफिनेस आती है या फिर डार्क सर्कल बन जाते हैं। ये एक हेल्थ इशू भी हो सकता है, उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन चलो, रीजन कोई भी हो तो, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि आई पफिनेस या फिर डार्क सर्कल ये ठीक नहीं होते। मैं जो आपको आज रेमेडी बताऊंगी वो उससे आपके डार्क सर्कल भी ठीक होंगे, आई पफिनेस भी ठीक होगी, और आईज के नीचे जो रिंकल्स आ जाते हैं ईयर से पहले वो भी ठीक होंगे। आईज की तीनों प्रॉब्लम, ये 3-in-1 सॉल्यूशन है एक रेमेडी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी होम रेमेडी जिससे कि हमारी आईज से की जो है सब प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारी जो आई साइट है वो भी इंप्रूव होगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो अच्छे से आपको समझ आ सके कि ये रेमेडी हमको कैसे बनानी है और कैसे यूज करनी है। एक हफ्ता इसको रेगुलर यूज करके फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताएं कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। रिजल्ट इसका 100% होगा, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ रेमेडी और आप देख सकते हैं मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल या फिर पफिनेस या फिर रिंकल्स नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एक सोल्यूशन मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, चलो वो आज बना के मैं आपको दिखाती हूँ रेमेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए और आई पफिनेस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन को और आईज को, सेल्स को इम्प्रूव करती हैं। ये सबसे पहले मैंने उसका एक पैकेट खोल के और एक छोटा कप उसमें पानी का डाला है। इसको हमने फ्रेंड्स बॉयल करना है अच्छे से। और ये देखिए, ये मैंने खीरा, ककम्बर जिसे बोलते हैं, और पटैटो, इसको इन दोनों को छिलके के साथ ही मैंने इसको ग्रेट किया हुआ है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको हाथों की मदद से इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है। अब पटैटोस जो हमने किए हुए हैं ग्रिड, उसका भी निकाल लेना है पानी। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ग्राइंडर में करके करने से बेस्ट तरीका है। ये देखिए, जो बाकी पानी बचा था वो भी मैंने निकाल लिया। ये अब दोनों के जो वाटर हैं ये मिक्स हो गए हैं एक दूसरे में। अब हमें क्या करना है, एक और कंटेनर लेना है और छन्नी की मदद से, ये मैंने बॉयल कर लिया हुआ था पानी, ये देखिए मैंने एक कप डाला था, थोड़ा सा रह गया है अब तो, लेकिन इतना सफिशियंट है हमारी रेमेडी के लिए। और ये जो मैंने पोटैटो और कुकम्बर का निकाला था पानी, वो भी ऐड कर दिया। ये तीनों तरह के हमारे पास अब रेडी हैं, ये हमारी रेमेडी अब रेडी है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, कॉटन के दो पैड जैसे मैंने कट करके रखे हैं, ये कॉटन के हैं, रुई के, और अच्छे से वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को मिला लेना है और इसमें वो जो हमने पैड बनाए हुए हैं कॉटन के, उनको डिप कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल सारा जो हमारी रेमेडी है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसमें सोख लिया है रुई ने सारा। अब देखिए हम कैसे इसको लगाते हैं, कैसे यूज़ करना है। अब वो वैसे ही हमें बिल्कुल भीगे हुए उठा के अपनी आईज के ऊपर रख लेने हैं और उसके ऊपर रखना है एक आईज का टुकड़ा ट्रेस में से निकाल के, और ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी, और उसके ऊपर भी आईज का एक टुकड़ा।
इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है, थोड़ा दबा दबा के। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका जो पानी है हमारी आँखों को लगना चाहिए। ये इतनी अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, आप इसका असर आपको एक से दूसरी बार में नज़र आने लगेगा। पूरा वीक इसको आप लगा के देखें, आपकी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, आई पफिनेस, डार्क सर्कल या रिंकल्स, ये सब खत्म हो जाएंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है इस रेमेडी को बनाना। तो ये 3-in-1 वर्क करती है, इसको जरूर से बनाएं और ट्राई करें। मेडिसिन से जल्दी फर्क नहीं पड़ता है और वो हार्मफुल भी होती है हमारे लिए, तो कोशिश करें होम रेमेडीज से अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। तो प्लीज़ आपको आप एक बार जरूर ट्राई करें इसको, 7 days रेगुलर करें। तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट बताएं कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स मैं देती रहूं। और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।